ये मैं क्या सुन रहा हूं दुबे? अपने इस इलाके में इस मासूम लड़की की इज्जत लूट ली गई? यही तो हम पिछले 2 घंटे से सोच रहा हूं सर, कि पुलिस के होते हुए आखिर ये काम किया कौन? जिसने भी तुम्हारा ये हाल किया है, मैं उस नामुराद का ऐसा हाल बनाऊंगा कि जिंदगी भर किसी औरत के काबिल नहीं रहेगा। नाम बोल उस कमीने का। विक्रम साहब जी, भवर सिंह का बेटा है वो। ये क्या बक रही हो? होश में तो है? सर हमें तो लगता है इसकी याददाश्त चली गई है, पगलाई गई है छुकरिया। नहीं साहब जी नहीं, मैं सच कह रही हूँ, उसका नाम विक्रम ही है, उसी ने मुझे बर्बाद किया। खबरदार जो दोबारा उसका नाम लिया तो सड़क पर जिस्म फरोशी करने के जुर्म में गिरफ्तार करके अंदर डाल दूंगा। साहब जी चलो दुबे, पार्टी में जाना है। साहब जी एक बात हमारी सुन, तू भी निकल ले, नहीं तो खाम खान दर्द सड़ जाएगी। साहब का गुस्सा बहुत ही खतरनाक है। साहब जी भवर सिंह धीमे धीमे बोल भाया, धीमे बोल। नाजुक घर है, कांच को है ना, कांच की तरह तो इस बेचारी की इज्जत थी। तेरे बेटे ने अपने हवस के पत्थर से टुकड़े टुकड़े कर दिए। देखो तो सही, कटे से टूटी है, मन्ने तो सही लागे। तेरी जबान खींच लूंगा मैं। अगर अपने और अपने बेटे की जिंदगी चाहते हो तो अपने बेटे से कहो इससे शादी कर ले। मैं मारे छोरे का इस तरह ब्याह करने लागू तो इस इलाके की आधे से ज्यादा छोरियां हमारी बहू बन जाएंगी। वाह वाह वाह, क्या खानदान है तुम्हारा। एक बात सुन ले, मैं इस बच्ची के लिए अपनी जान दे भी सकता हूँ, तेरे सपूत की जान ले भी सकता हूँ। मन्ने तो लागे के थारे को सपना देखने की आदत है। सपना देख भाया, जरूर देख, मगर अपने घर में। मैं तुम्हें समझाने आया था ठाकुर, लगता है बात तेरी समझ में नहीं आई। अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। आओ बेटी संभाल के जाना भाया, बाहर आंधी चल रही है। अरे को सिखाने आया था, इसकी खोपड़ी का नट बोल्ट ढीलो लागे, कसवाला पड़ेगा। ये स्वामी अच्छे से टाइट किया ना, अपने के उस्ताद को ढीला काम पसंद नहीं है, समझा ना। हाँ अच्छे से टाइट किया, मांग तो खुद देख लो। ए स्वामी। हाँ साहब। गाड़ी की हवा चेक कर। करता हूँ साहब। पंक्चर ये टायर बदल दिया? बदल दिया उस्ताद, एकदम चकाचक हो गया। अच्छा पैसे दे दे इसे। हाँ। अच्छा कादर भाई, ये पतली गली से खिसक रहे। नहीं प्रेम भाई, आप ही से मिलने आ रहा था। अच्छा मुझे देख लिया तो कह रहे हैं मुझे से मिलने आ रहा था। अरे नहीं प्रेम भाई, जब कभी भी मैं आता हूँ तो आपसे और शन्नो बहन से मिले बगैर तो जा ही नहीं सकते। अरे मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। और तबीयत पानी कैसा? बस सब अल्लाह के फजल से ठीक ठाक है। चलो प्रेम भाई, परसों मैंने शन्नो बहन को राजा के साथ देखा था। अच्छा नहीं लगा? क्यों राजा अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं अच्छा तो बहुत है लड़का, पर आदतें बुरी हैं, नशा करता है। नशा? आ, 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 वो नशा सब छोड़ दिया उसने, तौबा कर लिया है। हाँ अच्छा। और वो अपनी वो शन्नो है ना, शन्नो उसकी आंखों में उसके लिए प्यार है। तो अगर राजा ने नशा छोड़ दिया है तो शन्नो बहन के लिए उससे अच्छा दुल्हा तो हो ही नहीं सकता। ये नहीं हो सकता भाऊजी, मारे को शन्नो चाहिए भाऊजी, मैं उससे शादी करूंगा। हाँ कह दो ना जीजा जी, तेल लगा के। अरे हाँ कैसे कह दो, लग दी के गंदी नाली का पानी गटर में जाने के खातिर हो गए। ये छोरा ये पानी मारा मेल मलाने की कोशिश करे, सपने देखे, नहीं मारा छोरा नहीं, मारा खून नहीं। खून नहीं तो पानी समझ लो, लेकिन इसकी शादी शन्नू से करा दो तेल लगा के। अगर शन्नू की शादी
उस राजा के साथ होगी ना बाबूजी, तो कसम खा कहता हूँ बाबूजी, मैं अपनी जान दे दूंगा बाबूजी। ठीक ठीक है, छोरी कहाँ रहे, घर में कौन कौन है? कोई नहीं है बाबूजी, एक भाई है जो पहले फौज में था बाबूजी। मतलब बाबूजी की बहन है। भैया जी नमस्कार, भैया जी गरम गरम चाय, थैंक यू। ये सब क्या है? शगुन लाए हैं मालिक। शगुन? कैसा शगुन, किसने भेजा है? हाँ, मन ने भेजा है। मारो नाम भवर सिंह है, सुना होगा। थारा तो भाग जाग गया भौजी भाया, मारे छोरे को तारी भेण आ गई। आज से हम दोनों रिश्तेदार हो गए। आजा आजा आजा, गले लग भाया। गले दोस्तों के लगते हैं भवर सिंह, तो जैसे देशद्रोहियों के नहीं। थारा सारा तो बड़ा मजा किया लगे रे विक्रम। बड़ा मजा किया, मजाक खत्म। बोला तुम्हारी बहुरानी सन्नो को, खबरदार जो अपनी गंदी जबान से मेरी बहन का नाम भी लिया। तो तूने ये सोच कैसे लिया कि तू जैसे गद्दार के बेटे के साथ ये फौजी अपनी बहन की शादी करेगा? एक देश प्रेमी की चौखट पर तूने अपना कदम रखने की हिम्मत कैसे की? जिंदगी में हमारे दो उसूल हैं, जो चीज भा जाए इज्जत से मांग लो, ना मिले तो छीन लो। क्या बात है भैया? ये बाबूजी, बाबूजी यही शन्नो आपकी होने वाली बहू बाबूजी, मेरे को चाहिए बाबूजी। हाँ उन्होंने कह दिया, मैंने सुन लिया, उठा ले। भैया हाजिर है प्रेम सिंह। मेरी बहन शन्नो का ख्याल रखना। शन्नो मेरी भी तो बहन है। राजा। बोलो भैया। मेरी बहन शन्नो का ख्याल रखना। हाँ भैया। हाँ भैया। ए, ए यार
एक जंग में तो लड़ी रहा था इन जालिमों के खिलाफ, आज से एक और जंग शुरू होगी। कमाल है, सर ने हम सबको तो बुला लिया, लेकिन ये जन्मदिन किसका है? बर्थडे है मेरी, बबली का बर्थडे है। बबली का? हाँ। कौन बबली सर? बबली, बबली मेरी बेटी। लेकिन लेकिन वो है कहाँ? बबली चली गई। चली गई? हाँ। कहाँ चली गई सर? अपनी माँ के साथ बहुत दूर चली गई है, मुझे छोड़ गई, मुझे छोड़ गई। हेलो कैप्टन शाहनवाजिया सर, समंदर के अंदर से 15 मछेरे बोट लेकर गायब हो चुके हैं और उनका पता नहीं वो कहाँ गए हैं सर। उन गद्दारों को उनके नापाक इरादों में मैं कामयाब नहीं हूँ। आ रहा हूं मैं। पापा आप कहीं जा रहे हैं? अरे बेटा मैं बस गया और आया। बबली बेटा, तुम्हारे पापा वायदे के बहुत पक्के हैं, हाँ इन्हें जाने दो, ये वापस आ जाएंगे फिर हम डिनर के लिए जाएंगे बस। हाँ जरूर। पापा आप अगर नहीं आए तो बस हम आपसे इकट्ठी कर लेंगे। अरे बेटा जन्मदिन के दिन ऐसी बात नहीं करते, मैं बस गया और अभी आया। आ जाओ जल्दी आओ, आओ लाओ। हेलो बबली। मैं बबली नहीं, बबला बोल रहा हूँ लगड़ी के। मैंने पता था कि तू तारी हरकतों से बाज नहीं आवेगा, कि थारी लुगाई और थारी छोरी की जिंदगी चावे तुम्हारे आदमी को माल समेत छोड़ दे। छोड़ दूं? ले लो, छोड़ रहा हूं। ये क्या हुआ, कौन लोग थे वो? बबली, बबली बेटे, बबली, ए बबली, ये क्या हुआ, सचमुच रूठ गई पगली। पापा अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपसे इकट्ठी कर लेंगे। सर आप तो कानून के मुहाफिज थे, क्या कानून ने भी आपकी कोई मदद नहीं की? कानून को सबूत चाहिए और सबूत मिलता नहीं आजकल, मिलता है तो सबूत को मिटा दिया जाता है। कानून का सहारा लेकर तो मैं लड़ नहीं पाया, इस जंग को जीतने के लिए मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। हमें नहीं मालूम था सर कि आपके साथ इतना अन्याय हुआ, इतने गहरे जख्मों को आपने अपने दिल में छुपाए रखा। ये लोग मेरी पत्नी और मेरी बेटी के कातिल ही नहीं, ये हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिन्हें कानून सजा नहीं दे पाया। और ये इतना बड़ा रोग है जिसकी दवा अब हमें बनना है। लेकिन आज के बाद आप अकेले नहीं, हम सब आपके साथ हैं, हम सब मिलकर इनका मुकाबला करेंगे। हम आपके साथ हैं सर। अरे जोड़ीदार आजा 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 आजा। अरे मने तो लग गया कि मारो जोड़ीदार दिल्ली की चांदनी चौक में बस गए हो। अरे उस फौजी को मारकर तूने बड़ा पंगा कर दिया है जोड़ीदार,
ऊपर से डंडा आ गया था, बड़ी मुश्किल से जान बच गई। मामला तो निबट गया ना, इसीलिए तो दिल्ली गया था ना जोड़ीदार। मैंने कह दिया सीमा पार से कोई आतंकवादी आया था जो फौजी को मारकर चला गया। अच्छा किया। बिरादर, एक खड़ भाया, कभी धूप कभी छाया। अस्सलाम वालेकुम बिरादर। अरे धन ने क्यों तकलीफ की, मारे को बुलाना चाहिए था भाया। हाँ, आपको आने की क्या जरूरत थी खान साहब। ओए माल ज्यादा चाहिए इसलिए खुद आना पड़ा, माल है ना। अरे है ना बिरादर, बोलो कितने का चाहिए माल। ओए ज्यादा नहीं चाहिए, बस 25 करोड़ का चाहिए। 25 करोड़ स्टॉक है ना खान भाया। वो क्या है कि हमारे कन्ने तो इतना माल नहीं है, तुम्हारे को 8 दिन का मोहलत दो, बंदोबस्त हो जाएगा। वो माल जल्दी चाहिए लेकिन हमको। हाँ खान साहब, 8 दिन की मोहलत दो, माल मिल जाएगा, क्यों जोड़ीदार। वो चलो, तुम हमारा पुराना दोस्त है, 8 दिन का मोहलत दिया। अरे वाह वाह खान भाया, वाह वाह, मारी बात मान के मारा दिल खुश कर दिया। ओ, तुम्हारा जी तो खुश हो गया, अब हमारा जी भी खुश करो। जाम किधर है? उसका भी इंतजाम हो जाएगा खान साहब, क्यों जोड़ीदार। अरे खान भाया, जाम भी है तूफान भी है। Yeah.
ये किसके शिकार की तैयारी चल रही है भाईजान? कादर भाई, जुल्म की इस दुनिया में शिकार तो बढ़ता ही जा रहा है। अब जो जो सामने आता जाएगा उसे खत्म करता जाऊंगा। मेरे सीने में नश्तर बनकर जो दर्द चुभ रहा है तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इन मुजरिमों को मैं खत्म नहीं कर देता। मैं आपके दिल की हालत समझता हूं भाईजान, क्योंकि मैं जानता हूं कि अपनों के खो जाने से कितनी तकलीफ, कितना दर्द होगा। ऐसी ही एक तकलीफ, ऐसा ही एक दर्द मैं भी सह रहा हूं। आप क्या समझते हैं कि मैं ये खबरें आपको यूं ही लाकर देता हूं? नहीं मानसा, इसके पीछे भी एक मकसद है। कादर भाई, लगता है ऐसा ही कोई नश्तर तुम्हारे सीने में भी दर्द बनकर चुभ रहा है। ऐसे ही किसी बदले की आग में तुम भी जल रहे हो। हाँ भाईजान, एक घायल का दर्द एक घायल जान सकता है। नशीली दवाओं के सौदागरों ने असलम को भी नहीं बख्शा। असलम? कौन था असलम? असलम मेरा बेटा, जिस बेटे के कंधों पर बाप का जनाजा निकलना चाहिए था, उसी बेटे का जनाजा इस बाप के कंधों पर निकला। असलम मेरे बेटे, असलम मेरे बेटे, क्या हो तुझे, क्या हो गया तुझे? अबू, अबू मुझे पैसे दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मेरे बच्चे, अरे मेरा जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है। बोल तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए तुझे? मुझे, बोल। मुझे ब्राउन शुगर ला दो अबू, ब्राउन शुगर ला दो। ये क्या कह रहा है तू? जल्दी करो, मुझे बहुत दर्द। होश में आओ, ऐसे नशे की आदत तुझे कैसे पड़ गई? आपसे छुपा कर लेता था, आगे से नहीं लूंगा। मुझे बचा लो अब। होश में आओ, मुझे बचा लो। होश में आओ असलम बेटे, होश में आओ। या खुदा, ये कैसा इम्तिहान ले रहा है तू मेरा? मेरे जिगर का टुकड़ा मुझसे ही जहर मांग रहा है। एक बाप अपने बेटे को जहर कैसे दे सकता है? होश में आओ बेटे, होश में आओ असलम, 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 नहीं, नहीं असलम, असलम, असलम रखो कादर भाई, मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ। मौत के इन सौदागरों को जल्द से जल्द खत्म ना किया गया ना जाने कितने घर और तबाह कर देंगे, न जाने कितने असलम माँ बाप से छीन लिए जाएंगे। ये जंग हम दोनों मिलकर लड़ेंगे।